ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अमेरिका के प्रमुख अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की हाल में प्रकाशित रिपोर्ट पर भारतीय राजनीति गलियारे और सोशल मीडिया की दुनिया में जंग छिड़ गई है। WSJ ने फेसबुक हेट स्पीच रूल्स कॉल्स विद इंडियन पॉलिटिक्स शीर्षक से आर्टिकल पब्लिश किया है, जिसके अनुसार फेसबुक भारत में सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषा के मामले में नियम कायदों में ढील बरतता है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। इधर इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन IFF ने संसद की स्थायी समिति को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच कराने की अपील की है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व नेता संजय झा ने एक ट्वीट करते हुए कांग्रेस के 100 नेताओं द्वारा पार्टी आलाकमान को एक पत्र लिखने की बात कही है। इस पर जवाब देते हुए कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है और फेसबुक केस से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। अब विवाद इतना बढ़ गया है कि खुद फेसबुक को सफाई देनी पड़ी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में फेसबुक हेट स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स हेडिंग से प्रकाशित रिपोर्ट से पूरा विवाद खड़ा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक भारत में सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषा के मामले में नियम कायदों में ढील बरतता है। फेसबुक कर्मचारियों का कहना था कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्चुअल दुनिया में नफरत वाली पोस्ट करने से असली दुनिया में हिंसा और तनाव बढ़ता है। WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2 मुख्य आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक भारत में सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषा के मामले में नियम कायदों में ढील बरतता है। दूसरा आरोप है कि चुनाव अखंडता के नियमों का अनुप्रयोग, यह करीब 300 मिलियन उपयोगकर्ताओं और हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। रिपोर्ट में तेलंगाना से बीजेपी सांसद टी राजा सिंह की एक पोस्ट का जिक्र है, जिसमें मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की वकालत की गई है। रिपोर्ट को फेसबुक के कर्मचारियों से बातचीत के हवाले से लिखी गई है। फेसबुक कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने टी राजा सिंह की पोस्ट का विरोध किया था और इसे कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था, लेकिन कंपनी के भारत में टॉप लेवल पर बैठे अधिकारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं, वे इसके जरिए नफरत फैलाते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा, मार्क जकरबर्ग कृपया इस पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक अंकी दास को फेसबुक में नियुक्त किया गया, जो खुशी खुशी मुस्लिम विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अप्रूव करता है। आपने साबित कर दिया कि आप जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता एवं संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तथ्य यह है कि आज सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यह सब आपके परिवार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है और इसलिए आपको दुख होता है। खैर, आपने बेंगलुरु हिंसा की निंदा नहीं की, आपकी हिम्मत कहाँ चली गयी? राहुल गांधी के ट्वीट को टैग करते हुए रविशंकर ने लिखा, जो लूजर स्वयं अपनी पार्टी में भी लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, वे इस बात का हवाला देते रहते हैं कि पूरी दुनिया को बीजेपी RSS नियंत्रित करती है। पूरी दुनिया बीजेपी RSS से नियंत्रित है। चुनाव से पहले डेटा का हथियार बनाते हुए आप रंगे हाथ पकड़े गए थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका, फेसबुक से आपका गठजोड़ पकड़ा गया, ऐसे लोग आज बेशर्मी से सवाल खड़े करते हैं। रविशंकर के बयान पर पलटवार करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा, ऐसा लगता है कि झूठे ट्वीट और झूठा एजेंडा ही एकमात्र रास्ता बन गया है। कांग्रेस ने कभी कैम्ब्रिज एनालिटिका की सेवाएं नहीं ली। सुरजेवाला ने दावा किया कि बीजेपी कैम्ब्रिज एनालिटिका की क्लाइंट रही है, फिर कानून मंत्री यह क्यों नहीं बताते? वही AIMIM सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, अलग अलग लोकतंत्र में फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों हैं? यह किस तरह का निष्पक्ष मंच है? यह रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा हो गया है और फेसबुक कर्मचारी पर बीजेपी के नियंत्रण की भी प्रकृति सामने आई है। अब कांग्रेस बीजेपी में सियासी वॉर ही नहीं जारी है, बल्कि राजनीतिक दलों के नेताओं ने फेसबुक की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच फेसबुक को खुद सफाई देने के लिए आना पड़ा। भारत में उठ रहे सवालों के बीच फेसबुक ने कहा, हम हेट स्पीच और ऐसी सामग्री पर बंदिश लगाते हैं जो हिंसा को भड़काता है। हम ये नीति वैश्विक स्तर पर लागू करते हैं। हम किसी की राजनीतिक स्थिति या जिस भी पार्टी से नेता संबंध नहीं रखते हैं। फेसबुक के प्रवक्ता ने आगे कहा, हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में हेट स्पीच और भड़काऊ कंटेंट
को रोकने के लिए और ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम आगे बढ़ रहे हैं, निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी प्रक्रिया का नियमित ऑडिट करते हैं। इस बवाल के बाद कांग्रेस से निकाले गए संजय झा का एक बयान सामने आया है। कांग्रेस ने एक ट्वीट के जरिए फेसबुक की दोहरी नीतियों पर सवाल भी खड़े किए। अब इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने संसद की स्थायी समिति को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच कराने की अपील की है। IFF ने कहा कि इन दोनों की विस्तृत जांच की आवश्यकता है। संस्था ने ये भी कहा कि हम ICJ द्वारा वैश्विक मानक जांच का उल्लेख करते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।